तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें यहाँ मान लीजिए कि उसका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, मुझे इसमें से नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो नंबर है 1251 इसको एक्सट्रैक्ट करना। फॉर्मूला नहीं है, चलिए एरे से करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे करें इसको, मैं इसको हटा देता हूं। तो मैनुअल कंसेप्ट को समझिए। सबसे पहले तो मैं यहां मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैनुअल कंसेप्ट समझा रहा हूं। मिड के फॉर्मूले में मैं यहां पे ये क्या करेगा, मिड का फॉर्मूला कि जितने भी करैक्टर है उसको अलग अलग तोड़ देगा, जितने को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग तोड़ दिया। फिर मैं क्या करूंगा कि इस पे मल्टीप्लाई बाई वन करूंगा और फिर इसको यहां मल्टीप्लाई वन न करके मैं इच टेक्स्ट भी कर सकता हूं, इच नंबर, सॉरी इच नंबर। इज नंबर में दिक्कत यहां पे ये हो गया, इज नंबर में इसमें मल्टीप्लाई बाय वन या प्लस जीरो कर दीजिए। ये क्या करेगा कि जो भी नंबर होगा वो ट्रू आए, ट्रू आ गया। अब मैं मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैच में बोलूंगा कि ट्रू को किसमें, ट्रू को मैच करो किस लोकेशन से, कॉमा जीरो सेवन आ गया। और फिर मैं यहां काउंट इफ को करूंगा कि काउंट इफ इसके अंदर ट्रू को काउंट, मुझे पता चल गया कि मेरा नंबर सात में से स्टार्ट है और चार करेक्टर है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम मिड का फॉर्मूला लगाएंगे, मिड इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा कि सात में से स्टार्ट करो चार करेक्टर आ गया नंबर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें क्या हुआ, सीक्वेंस में नंबर होना चाहिए, मान लीजिए बाद में बीच में भी कहीं नंबर हुआ तो फिर उसके लिए कोई और फॉर्मूला सोचना होगा। तो फिलहाल उस पर हम नहीं जाते ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पे। अब यहाँ इसको एक सेल में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा फॉर्मूला मैच तोड़ के लगाता हूँ, मैच, मैच में मुझे ट्रू को लुकअप करना है किसमें, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इंच नंबर,
नंबर में मुझे देना होगा मिड, मिड में मुझे सिलेक्ट करना होगा इसको, कॉमा मैं देता हूँ कॉलन, और करेक्टर वन मल्टीप्लाई बाय वन, कंट्रोल सेव, सेवन आ गया। और फिर मैं सेम करता हूं काउंट इफ, दोबारा देख लीजिएगा कैसे कर रहा हूं मैं, काउंट इफ, काउंट इफ में मुझे काउंट करना है किसको, इज नंबर, नंबर में हमें सिलेक्ट करना है मिड, मिड में हमको सिलेक्ट करना है इसको, और फिर करना है कॉलन, कॉमा वन मल्टीप्लाई बाय वन, क्राइटेरिया में हमने बोल दिया ट्रू। काउंट इफ डायरेक्ट नहीं लगेगा सर, काउंट इफ आपका डायरेक्ट, क्योंकि काउंट इफ एरे को सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें इसको डायरेक्ट मिड फॉर्मूले में ही लगाना होगा। तो मिड, मिड में हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट, हमारा स्टार्ट नंबर ऊपर है, और नंबर ऑफ करेक्टर में हम यूज करेंगे फॉर्मूला काउंट इफ, काउंट इफ हमने इसमें दिया रेंज, रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा यहाँ पे इज टेक्स्ट, इज नंबर होगा ना, माफ कीजिएगा, इज नंबर, इज नंबर में मिड, मिड के अंदर में हमने इसको सेलेक्ट करके दिया कॉलन वन बाय वन, कॉमा वन मल्टीप्लाई बाय वन, ताकि नंबर का कन्वर्ट हो जाए। अब क्राइटेरिया में हमने बोल दिया ट्रू, अब यहां पे कंट्रोल शिफ्ट, मैं रो देता हूं, रो पांच छह चार दस, इसका एक और उपाय है, मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ, और सम के अंदर ये चलिए सम कर देता हूँ, सम, और सम में मैं देता हूँ इज नंबर, और इसमें वैल्यू हो जाएगा मिड, मिड में हो जाएगा ये आपका स्टार्ट नंबर हो जाएगा कॉलन, और यहाँ पे कॉमा वन, उसको मल्टीप्लाई बाय वन करके ब्लैंक
हाँ इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो इज नंबर है, इज नंबर के वैल्यू को मुझे यहाँ मल्टीप्लाई बाय वन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स थोड़ी हो पाएगा, ट्रू फॉल्स को सम नहीं करता ना सर, तो मल्टीप्लाई बाय वन करने से ट्रू वन बन जाएगा, फॉल्स जीरो बन जाएगा। अब आ गया आपका नंबर, समझे? तो यहाँ काउंट इफ वर्क नहीं किया, तो काउंट इफ में की जगह पे हमने क्या कर दिया, सम लिया, फिर सम हमने इसको सेलेक्ट किया और इसमें मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया, ताकि ट्रू जो है वन बन जाए और फॉल्स जीरो बन जाए, तो जिससे क्या हुआ, तो पता चल गया कि नंबर ऑफ करेक्टर कितना है, और सेम प्रोसीजर हमने यहाँ अपनाया हुआ है। तो दोनों फॉर्मूला को आपस में मर्ज कर दीजिए, ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन जाए।